जला दो मुझे नींद। चलो जुड़ा नहीं, ठीक से जुड़ा नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जुड़ गया जुड़ गया सर, जोड़ेंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन डायरेक्टर से पूछा। मुझे लगता है ऐसी टीचर अगर होंगी तो आप जैसे पापा तो कहेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अच्छे से करवाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप तीनों की फेवरेट टीचर किस सब्जेक्ट की थी? केमिस्ट्री टीचर और एक टीचर इंग्लिश टीचर मेरे क्रश थे कि मैं अपने इंग्लिश में फेल होता था। कैन यू इमेजिन? क्रश किस पे था? दोनों पे यार। मेरी मम्मी केमिस्ट्री टीचर थी। योर मदर इज आल्सो वेरी प्रीटी। दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, फर्स्ट आ जाए तो और ज्यादा दुख, और ज्यादा दुख होता है। लेकिन अगर दोस्त म्यूजिक स्कूल में चला जाए तो सर दुख ज्यादा होता है या क्या होता है? जो ट्रेलर देख के हमें समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ होता है। जुड़ा नहीं, ठीक से जुड़ा नहीं, 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 कोई बात नहीं, जुड़ गया सर, जोड़ेंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन डायरेक्टर से पूछा। डायरेक्टर जोड़ देता हर चीज को। मैंने इसलिए एक्टर को टॉस ही नहीं किया, मुझे पता था आप जोड़ नहीं पाओगे। आपके पास टाइम है सोचने के लिए, जवाब तक वो सोच दे रहे हैं। यही जोड़ेंगे। शर्मान का दोस्त है ना, शर्मान का दोस्त है ना जो गया म्यूजिक स्कूल में यार। तो शर्मान का दोस्त है तो शर्मान तो शायद हैप्पी होगा, बट उनके माँ बाप कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो माँ बाप को क्या क्यों दुख क्यों होता है? मतलब why people don't want to send their children to music school, extra curricular activities? एक तो नाम इतना घटिया दिया, extra curricular activity का मतलब क्या होता है? Basically, मैं तो अच्छा basically अभी last 20-30 years से जो in our society it is becoming a little कॉम्पिटिटिव, और बच्चे भी कम हो गए। एक दो बच्चा है तो उसको कुछ तो बनाना है। पहले चार पांच बच्चे होता तो कौन कहाँ जा रहा है माँ बाप को पता ही नहीं था हमारे ज़माने में। सो आई थिंक सोसाइटल इश्यूज, एडुकेशन, जॉब कॉम्पिटिशन, ऑल सब मिला के ना तो बच्चों पे ये है कि ये एक रॉन्ग इम्प्रेशन हो गया है कि ऐसा मैथमेटिक्स साइंस पढ़ते ही एक इंजीनियर डॉक्टर बनते ही एक अच्छा आदमी बनेगा, कमा सकता है। आप जैसा अभी इंटरव्यूअर जर्नलिस्ट है, वो कैमरामैन है, सो इधर कुछ बहुत कुछ लोग है बैठा है, तो ऐसा एक परसेप्शन बन गया विच इज़ नॉट अ करेक्ट परसेप्शन। तो वो परसेप्शन में सबको वहाँ ठोक रहे, छः क्लास 5-4 से लगातार ट्यूशन, लगातार ये कहीं कहीं जाने का नहीं, वो स्कूल जाना आना, फिर ट्यूशन जाना आना, यही। सो द प्रेशर इज माउंटिंग ऑन द यूथ। वो शायद 90-100 मार्क्स आ रहे होंगे, लेकिन उनका मन में क्या हो रहा है? बचपन में तो खेल कूद को तो बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना, तो म्यूजिक और स्पोर्ट्स और एनीथिंग। सो ये पिक्चर का, इस फिल्म का यही मकसद है कि पेरेंट्स को और सोसाइटी को एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है। मुझे लगता है ऐसी टीचर अगर होंगी तो आप जैसे पापा तो कहेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अच्छे से करवाते हैं, नहीं है ना। सो आपको क्या लगता है कि व्हाई पेरेंट्स आर नॉट धीरे आस्ते लोग इस तरफ मुड़ रहे, वेरियस ऑप्शंस, वोकेशंस, स्किल ओरिएंटेड प्रोफेशंस आर इमर्जिंग, बट येट इट्स नॉट रियली स्ट्रक the society at large and parents in particular, because obviously their kids at this juncture where you then have to make that call. बहुत आसान है कहना कि आप दूसरे profession की तरफ भी देख सकते हो, लेकिन बच्चे, माँ बाप सबकी insecurity होती है उस वक्त, और कहने का मतलब है कि more exposure to the actual possibilities available and then a change of mindset. अभी मैं कहाँ पे किसी बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कहने लगे कि why look for jobs instead, why don't we have this approach of we will be the ones who will create jobs. Our nation is huge with a great population and jobs is what is the need of the hour. So if all of us think ke yaar पढ़ाई करके, अभी हर एक की अपनी सोच है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। आई वॉज प्रीटी इम्प्रेस विद दैट। इंस्टिंक्टिवली हाउ डू यू फील, डू यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन? ये पहले से ही जहन में या दिमाग में ये डाल के ना रहे बात कि आपको जॉब ही ढूंढनी है, पॉसिबिलिटी है बिजनेस भी कर सकते हो।
तो यही है. सो एवरीवन ईच टू हिज ओन. बट हमने वी अप्रोच टुवर्ड्स द फैक्ट दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बट आल्सो लुक एट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. तो अपनी कोई टीचर याद आई ये वाला कैरेक्टर प्ले करते हो? दिल्ली में मेरी कथक टीचर हुआ करती थी शोभना नारायण और वो मेरी गुरु थी. उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. वो आईएएस ऑफिसर भी हैं और थी और कथक बहुत सीनियर कथक डांसर भी रही हैं. उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा था कि अपने सपने देखो, बी यू एंड देन वर्क रियली हार्ड टू फॉलो योर ड्रीम्स. बहुत मेहनत से जो भी तुम चाहती हो गो फॉर इट. साथ ही साथ आई थिंक आज मैं जो भी हूँ मेरे टीचर्स की वजह से हूँ. जो मेरी हिस्ट्री टीचर, मैं मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी मगर उन्होंने हमेशा, रीटा किशोर मैम ने हमेशा ये कोशिश किया कि कैसे मैं इसको हिस्ट्री एक कहानी की तौर से समझाऊँ. और फिर आई फेल इन लव विद हिस्ट्री. सो आई थिंक टीचर्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. पर जिस इस मूवी का मकसद जैसे जो शर्मन कह रहे थे वो यही है कि फॉलो योर ड्रीम्स और अपने सपने खुद से देखो और जो भी है फिर उसको फॉलो इट एंड एंड परस्यू इट. और डांस एंड म्यूजिक इज नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, आप तीनों की फेवरेट टीचर किस सब्जेक्ट की थी सर? पहले वाला तो मेरा तेलुगु टीचर था. उसके बाद में जब हम कॉलेज में गया तो मैथ्स टीचर था. मेल फीमेल सर? मेल फीमेल. सर ने सीरियस जवाब दिया. अब शर्मन विल ऐड सम स्पाइस. देखो केमिस्ट्री टीचर क्यों, जाहिर सी बात है यार, केमिस्ट्री पढ़ाती थी तो मम्मी केमिस्ट्री टीचर. नहीं बट केमिस्ट्री. Your mother is also very pretty. Yeah, she's That's where you were getting it from, bro. And your father is also a handsome looking man. Anyways, coming back to chemistry teacher. और फिर उसी subject में मैंने उन्हीं से tuitions भी लिए. In spite of the fact that I was getting 50 out of 50, she said you must join my tuitions. I said yes, ma'am. ऐसा नहीं chemistry lab को use करने के लिए you were trying to impress. नहीं नहीं lab कहाँ यार, lab इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी मोटी थी lab. But केमिस्ट्री टीचर और एक टीचर इंग्लिश टीचर, लेकिन वो इतने मेरे क्रश थे कि मैं अपने इंग्लिश में फेल होता था. कैन यू इमेजिन? क्रश किस पे था, केमिस्ट्री वाली पे इंग्लिश वाली? दोनों पे यार, ऐसे एक साथ एक, मतलब आइदर और, ऐसा जरूरी है? मतलब एक बार में तो एक ही पे होता है? नहीं अरे भाई, यू विल ग्रो अप वन डे. आई हैव टू ग्रो अप देन. अच्छा, आपका फेवरेट टीचर, आपकी फेवरेट टीचर भी हो सकता. मेरी फेवरेट टीचर ऑफ कोर्स माय मॉम नीजा सरन. माय मदर इज अ केमिस्ट्री टीचर. वीटा किशोर मैम हिस्ट्री. मेन मेन ब्रो, मेन कोई ऐसा थे नहीं. नहीं नो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉल मैम, ये आपको सुनना नहीं चाह रहे हैं आपसे कि आप किसी का नाम ले और इनका दिल टूटे, मुझे ऐसा. अच्छा, आप स्टूडेंट भी बने 3 इडियट्स में, अब आप टीचर बन गए. दोनों कैरेक्टर्स को प्ले करना एज एन एक्टर कितना डिफरेंट होता है? स्टूडेंट वाला ज्यादा मजेदार था या टीचर वाला ज्यादा मजेदार था? स्टूडेंट वाला डेफिनेटली ज्यादा मजेदार था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द किड्स, फरारी की सवारी में मैंने एक बच्चे के साथ बहुत, मतलब एक इम्पोर्टेंट फिल्म मेरे लिए और बहुत स्वीट फिल्म है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी फिल्म. हाँ, यू नो, मैं अपने काम की तारीफ नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ इसीलिए. थैंक यू. तो बट कहने का मतलब, आई लव वर्किंग विद किड्स एंड रियली एंजॉय, आई एंजॉय देयर, लाइक दे रियली डी-स्ट्रेस मी ऑन सेट का माहौल. ऑब्वियसली वी ऑल ट्राइंग टू पुट इन आवर बेस्ट, हमेशा तनाव भरा तो रहता ही है. एज मच एज यू आर ट्राइंग टू कीप योर कूल, वी आर ऑल गनिंग टू गिव step out and give our best. And the kids kind of act as people who kind of break the ice, make the energy flow thoda more easy and smooth. So bahut maza hai. But teacher ka role aur student ka role, main jab student raha tha bahut sare teachers ko observe kiya tha, to us hisab se wo aspect I think I brought into the character I was playing. Ji acha Shreya, isme बच्चों के साथ आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? किसी बच्चे ने कुछ ऐसा किया या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कहीं ना कहीं याद रहेगा?
जब भी मुझे बच्चों के साथ काम करने को मिलता है हमेशा मुझे मजा तो आता है, मगर इट्स ऑलवेज रियली फनी. लाइक आई रिमेम्बर पहली बार जब मैंने किया था दैट चाइल्ड, उसको वो बच्चा चाहता ही नहीं था मेरे साथ काम करना. दूसरी बार वो रोता रहता था. तीसरी बार जब मैं RRR में बच्चे थे तो वो इतना बोलते थे पीछे. एंड देन आई मेट दीस किड्स, थे तो बड़े मजेदार से, बड़े टैलेंटेड, ऑल ऑफ देम आर रियली रियली गुड, वेरी प्रोफेशनल. मतलब द मोमेंट हर्स इज एक्शन दे लाइक दैट, और मतलब बिल्कुल मंझे हुए बच्चे थे. और मगर उसमें से एक बच्चा सबकी नकल उतारता था पूरे टाइम. दूसरा वो वाला, और दूसरा बोलता रहता था. तीसरे को मेरी जैसी ड्रेस पहननी होती थी, तो जब वो एक एक सॉन्ग है डू अ डियर, उसमें वो सब पीछे खड़े हुए. एंड आई थॉट हाउ डिफिकल्ट इज दिस स्टेप, इजीएस्ट शॉट, सब बच्चों को एक एक करके बाहर निकलना है. सो सिंपल. द मोमेंट दे से एडम सेज ओके रेडी एक्शन, I don't like my hair. I don't like what I'm doing. I don't like. Do you like your hair? Do you like? I like Shreya's dress. Can I have Shreya's dress? Can I? I'm like, shut up. Non-stop. They talk non-stop. But and I think because of that, I created beautiful memories with them, and they'll always be special. Sir, how you thought Shreya can be a teacher? Can play a teacher? No, actually, musical tha and Sound of Music ka gaane hai and. इसमें शी इज़ अ म्यूजिक टीचर बट वेन वी टू कोरियोग्राफ द सॉन्ग्स ही इज़ अ ड्रामा टीचर सो हिज पोर्शन आई डिडंट पुट मच ऑफ डांस बट इन हर पोर्शन आई पुट लॉट ऑफ डांस सो आई वॉज लुकिंग फॉर एन एक्ट्रेस विथ अ डांसिंग एबिलिटी सो देन शी इज़ अ कथक डांसर आई नो एंड बैकग्राउंड सो दैट्स हाउ आई आपको लगा नहीं ज़्यादा ग्लैमरस टीचर हो जाएगी जैसे वो मैं हूं ना हमने देखी थी तो हमारे दिमाग में वही एक इंप्रेशन है सुष्मिता सेन वाला जब वो आती है नया नया जब भी होता है तो आपने भी देखी थी कुछ ऐसा था दिमाग नहीं वैसा नहीं वी कैन ऑलवेज मेक ए पर्सन हाउ मच यू नीड वी कैन मेक हर कम्प्लीटली ग्लैमरस एंड वी कैन मेक हर लाइक आवर म्यूजिक स्कूल टीचर क्रमिंग पेंगो एंड आई डिडंट एक्स्ट्रा ग्लैमराइज इट ऑल एक्चुअली इफ यू कैन सी द कॉस्ट्यूम एंड Everything, makeup, we have put it exactly like a nice, normal character. Chaman, apne kuch teachers se baatcheet ki when you were like playing this character ya real teachers se baatcheet ki ho ki kis tarike se mujhe ye character play karna ya director ko follow kiya sir? मतलब आपका ही कहना है कि मुझे एक्टिंग नहीं आती नहीं नहीं अब तक की मेरी लाइफ में मेरे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ इस रोल एज अ स्टूडेंट बच्चे बारे टीचर्स को ऑब्जर्व करके और कुछ अपना क्योंकि ड्रामा टीचर है तो दैट वाज अगेन अप माय एली थिएटर से मैं हूँ जुड़ा तो वो सारे एस्पेक्ट्स वो जुड़ जाड़ के एंड ऑफ कोर्स द स्क्रिप्ट द डायरेक्टर एंड उस फ्लो में कैरेक्टर को निभाने की कोशिश की आपने श्रेया कुछ अपनी मम्मी से कोई टिप्स ली जो मॉम इज अ टीचर तो मतलब घर में ही जब मगर मेरी माँ का फेमस That moment that I remember कि पहली दफ़ा जो वो क्लास में आई थी ग्रीन कलर की साड़ी पहन के आई थी और आई वो कुछ उन्होंने बोला फॉर मी इट वॉज जस्ट लाइक अ स्लो मोशन शॉट एंड देन शी टर्नड विद द चॉक इन आई हैंड एंड ऑल द बॉयज इन द क्लास वर लाइक एंड आई लुक्ड एट देम एंड आई लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस so it was that and till today everyone remembers my mother was very very beautiful yeah unke lambe baal hua karte the isko band mein bana ke bindi laga ke aaya karti thi aur bahut even abhi bhi log yaad karte hain ki utni sundar teacher unhone kabhi nahi dekhi तो मुझे लगता है इस फिल्म को देखने के बाद भी लोग याद रखेंगे कि इतनी सुंदर टीचर नहीं 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 आई एम नॉट अ फॉरेन माय मॉम रियली ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच गाइस एंड आई होप ये फिल्म जिस पर्पस से बनाई गई है वो पर्पस कहीं ना कहीं से होगा मुझे लगता है अगर कुछ एक पेरेंट्स भी इंस्पायर हों कि नहीं हमें ये करना चाहिए तो आई थिंक इसका पर्पस जो है वो पर्पस आई थिंक आपने इसीलिए बनाया मुझे लगता है एंटरटेनमेंट से ज्यादा ये फिल्म कहीं ना कहीं एक मोटो कह लीजिए इसका या नहीं ये प्रीची नहीं है वो ये बहुत बड़ा एंटरटेनर है बट जब जाते हो कभी यू विल रियलाइज दैट यू गॉट अ मैसेज मतलब अगर जाते जाते भी कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों का एडमिशन म्यूजिक स्कूल में करा दिया सो आई थिंक दैट विल बी द सक्सेस ऑफ दिस एटलीस्ट दे विल बिकम फ्रेंड्स दे विल बिकम घर में थोड़ा टेंशन है ना तो उस बच्चे को ले जाके सिनेमा दिखा बोलो दे वॉक आउट एज फ्रेंड्स थैंक यू सो मच थैंक यू